know, I'm very good in English, bro. I don't even hesitate in English. उसके अंदर ये पढ़ा है कि दो डेविड्स हैं, क्योंकि किसी अंग्रेज ने लिखी है, हमारे यहाँ तो एक ही होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम हो गया आप सबका नए ब्लॉग के अंदर और डे वन के अंदर। आपको पता है हमारा चैलेंज चल रहा है, चैलेंज हमने करना है और इसीलिए आज हमारा डे वन है और हम अभी चल रहे हैं ग्राउंड, वहां पर जाकर रनिंग करेंगे, फिर घर आएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद आपको भाई दुकान पे जाएगा और बाकी भी जो चैलेंज है वो कम्प्लीट करेगा। डे वन को हम स्टार्ट कर रहे हैं और जब हम डे 30 पे जाएंगे तो क्या चेंज आएंगे, अगर आप ये सब देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यार आपके भाई के जेन में ख्याल आ रहा है कि आज हम बाइक पे चलते हैं, वैसे ग्राउंड यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका भाई सोच रहा है कि बाइक पे जाते हैं, चलो वहां पर जाएंगे तो चलो वापसी पे आते हुए जरा आसानी हो जाएगी। पहला दिन है तो मैं कहता हूँ वहां पर सजाए मौत ही ना हो जाए, क्योंकि बगैर बाइक के सिस्टम नहीं चलता। मैंने ये हिसाब लगाया एवं ही वहां पर फोत हो गए तो फिर क्या होगा, फिर तो 30 दिन का चैलेंज खत्म हो जाएगा और पहले दिन ही हमारा चैलेंज पूरा हो जाएगा, तो इसलिए हमने 30 दिन तक करना है, इसलिए एहतियाती तदाबीर साथ करेंगे ना। बात तो सही है। एक दौर ऐसा था कि आपका भाई दिन के 1000 पुशअप लगाता था। अच्छा। और रेस कोर्स के 5 चक्कर लगाता था। ठीक है। आपका भाई प्लैंक लगाता था, वो तकरीबन पूरे दिन का प्लैंक लगा देता था। समझ गया। आपके भाई के घर के सबसे करीब ग्राउंड है, लेकिन आपका भाई इस ग्राउंड में नहीं रनिंग करने वाला, क्योंकि ये ग्राउंड आपके भाई के लेवल का नहीं है, आपके भाई का लेवल बहुत ऊंचा है। अबे साले, तो आपका भाई यहाँ पर एक्सरसाइज करेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका भाई रनिंग करेगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपके भाई को प्रॉपर ट्रैक मिल रहा है। आहा, बहुत चंगा ना। मैं तो यहाँ पर थोड़ी सी रनिंग करेंगे, फिर उसके बाद घर जाके एक्सरसाइज करेंगे, तो रनिंग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो भाई लोग, रनिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है और जो पसीना देख रहे हो, ये पसीना आम पसीना नहीं है, ये अब्दुल मोइज जट का पसीना है। नेक्स्ट टाइम हम यहीं पर ही मैट लेकर आएंगे और यहीं पर ही बिछा कर ट्राइपॉड स्टैंड ले आएगा आपका भाई, तो यहाँ पर शुरू करेगा। अभी निकलते हैं क्योंकि फिर बाद में धूप तेज हो जाएगी, तो एक्सरसाइज क्योंकि आपके मैंने छत पे करनी है, तो क्योंकि ओपन माहौल में ही ज्यादा मजा आता है एक्सरसाइज का। A few moments later, आपका भाई अब घर आ चुका है, अब यहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज रह गई है। अब आपका भाई लगाएगा 12-12 के 3 सेट पुशअप के लगाएगा और उसके बाद सिटअप्स लगाएगा, उसके भी 12-12 के 3 सेट लगाएगा, काफी चीजें लगाएगा, जो भी लगाएगा आपका भाई सब दिखाएगा। भाईजान बड़ी मुश्किल से कैमरा सेट हो चुका है, अब आपका भाई करने लगा है स्टार्ट एक्सरसाइज। तो स्टार्टअप लेंगे हम पुशअप से, तो पुशअप के 12-12 के रैप होंगे और इसके 3 सेट हमें लगाना है और हर सेट के बाद 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। डे वन था, डे वन की एक्सरसाइज आपकी हमारी आज कंप्लीट हुई। हर 3 दिन बाद हम एक एक्सरसाइज बढ़ा देंगे, आज हमने 2 की है, 3 दिन बाद हम एक और इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हम आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें यही काम नहीं है,
हमने शॉप पर भी जाना होता है, वहाँ पर भी काम करें। One hour later. जी भाई लोग शॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़े मसाइल ऐसे हो चुके थे कि दुकान पर जो लड़का आता है वो नहीं आया आज। आज ऐसा कोई मसला बना आपके भाई के साथ कि मुश्किलात पे मुश्किलात। आज पहला दिन था आपके भाई का, आपके भाई ने वहाँ पर इतनी मेहनत की, इतनी मुशक्कत की, उसके बाद लड़का नहीं आया तो मतलब जो लड़के की ड्यूटी है आज वो भी हम करने लगे हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर काम वगैरह किए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भैया कौन सा दराज को जो लॉक लगा दें? दराज लॉक जो ये लगे हमें मिल जाएगा भैया। दो तरह का, एक कंप्यूटर की में है जो ये लगा हुआ है और एक आम चाबी वाला। वो आप देख लें साइज उसका, मुझे बता दें जो भी है। तो बाकी हाँ वो लोग लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ वो लोग लें। हाँ जी तो भाई लोग अब अपना सेकंड चैलेंज स्टार्ट करने लगे हैं और जो सेकंड चैलेंज था वो आपको पता है कि हमने कोई ना कोई स्किल सीखनी थी और हम जो स्किल सीखने लगे हैं वो सीखने लगे हैं वीडियो एडिटिंग का। तो रूम है फोटोशॉप नहीं अडोब फोटोशॉप। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इस तरीके से हम अपने डाइनिंग रूम पे काम करना शुरू। अडोब प्रीमियम पे आज हमने ये सीखा है कि वर्क स्पेस कैसे बनाते हैं। ज्यादा वर्क स्पेस है, आप ये देखोगे ना यहाँ पर काफी ज्यादा वर्क स्पेस है, ऑडियो की, रिव्यू की, आपके भाई की भी एक वर्क स्पेस आ गई है अगर विजिबल हो रहा है मूवीज के नाम से। आपके भाई ने आज वर्क स्पेस बनाना सीखी है। अगर आप लोग ये चाहोगे कि आपका भाई भी जो सीख रहा है वो आपको सिखाए तो वो भी पॉसिबल है, उसमें भी कोई मसला वगैरह नहीं है। लेकिन उसके अंदर क्या लगेगा? रोकड़ा लगेगा। रोकड़ा, रोकड़ा समझते हो क्या होता है? रोकड़ा मतलब पैसा, पैसा लाए पैसा, बैंक तमाशा देख वाला हिसाब होगा। कुछ भाई ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, मेरी तरह गरीब होंगे, चल झूठा, तो उनके लिए क्या है? कुछ ना फेंक सिर्फ काम सीख। ये नया डायलॉग है, कुछ ना फेंक सिर्फ काम सीख। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए तो नीचे कमेंट कर सकता है, आपका भाई जो सीखेगा आपको वो सिखा देगा। अब हम बात करते हैं अपनी बुक की। तो बुक आपका भाई कौन सी पढ़ने वाला है? उसके दो पेजेस में डेली पढ़ने थे किसी बुक के, तो कौन सी बुक आपके भाई ने सिलेक्ट की है वो भाई आपको दिखाता है। ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए, तो सरप्राइज का वक्त हुआ खत्म। तो आपका भाई आपको बताएगा कि वो कौन सी बुक है। वो कौन सी है बता दूं? अरे बताओ ना। क्या बताऊंगा, खुश कर दूं आप लोगों को, वो कौन सी है सो फिर देख लो। टेन तो बुक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये बुक क्या है। ये क्या बोस, ये तो सारी मुझे लग रहा है जापानीज में लिखी हुई है। नहीं सॉरी, ये है इंग्लिश में, इंग्लिश में बुक है भाई की। अच्छा इंग्लिश, यू नो आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश ब्रो, आई डोंट इवन हेसिटेट इन इंग्लिश, वी ऑलवेज ब्रो, इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट्स इजी टू रीड इंग्लिश बिकॉज यू नो आई लर्न इंग्लिश इन द स्कूल एंड इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, नो प्रॉब्लम फॉर मी ब्रो, नो प्रॉब्लम, वील रीड रीड वील रीड। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके मैं पढ़ता हूँ इसको, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैंने आज दो पेजों में क्या सीखा और आपको आपका भाई क्या सिखाने वाला है। Few inches later. हमने पढ़ने थे दो पेजेस बुक के, लेकिन आपके भाई ने पढ़ डाले हैं छह सात पेज पढ़ डाले हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन वो एक इंट्रो था, या आप कह लेंगे कल से हमारी प्रॉपर स्टार्ट होने वाली है। हमने उसके अंदर ये पढ़ा है कि दो डेविड्स हैं, क्योंकि किसी अंग्रेज ने लिखी है, हमारे यहाँ तो एक ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे उसने लिखे हुए दो डैड हैं उसके, और एक उसका डैड पुअर है एक रिच है, और पुअर भी उसको एडवाइस करता था रिच भी करता था, तो रिच डैड होता था
वो हमेशा उधर फाइनेंशियली फ्रीडम की बातें करता था, मेहनत करते थे, लेकिन एक रिच हो गया एक पुअर ही रह गया। वो क्यों रह गया वो कल से बताएंगे, और कल आप भी, आपका भाई भी आपको बताएगा। अबे साले, तो कल वो क्या बताते हैं, कल का जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको चलो थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए। कल हमारा होने वाला है टॉपिक द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जो अमीर होता है वो पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर किसके लिए काम करता है कल देखेंगे हम। कल दोबारा एक्सरसाइज होगी, कल पानी भी पिया जाएगा, मीठे से परहेज किया जाएगा, एक्सरसाइज रेगुलर की जाएगी, अपना जो स्किल सीख रहे हैं वीडियो एडिटिंग का वो भी सीखा जाएगा, हर चीज दोबारा होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना रखूंगा। अल्लाह हाफिज।